हेलो स्टूडेंट्स हाउ आर यू स्टूडेंट्स आज हम अल्टरनेटिंग सीरीज टेस्ट देखेंगे और इसमें हम देखेंगे कि हमारे पास जो अल्टरनेटिंग सीरीज़ होती हैं उनकी क्या फॉर्म होती है और uh, साथ में हम उनकी कुछ एग्जांपल्स को डिस्कस करेंगे और देखेंगे कि किस तरह से हम अल्टरनेटिंग सीरीज़ टेस्ट को यूज़ करते हुए जो हमारे पास गिवन सीरीज़ हैं हम उनकी कन्वर्जेंस या डाइवर्जेंस जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं ठीक है uh, सबसे पहले हम देखते हैं कि अल्टरनेटिंग सीरीज़ बेसिकली होती क्या है सीरीज़ वेयर आर टर्म्स आल्टरनेट साइंस के जिसमें हमारे पास इस तरह की सीरीज़ के जिनमें हमारे पास सीक्वेंस के टर्म्स हैं वो अल्टरनेट करें अपना साइन लाइक प्लस माइनस प्लस माइनस यानी कि अल्टरनेशन हो उनके दरमियान में अब फॉर एग्जांपल हमारे पास ये वाली सीरीज़ हैं ठीक है इसी तरह से गिवन सीरीज़ ये वाली हैं जिस तरह से अगर हम यहाँ पे एन इज़ इक्वल टू वन सब्सटीट्यूट करते हैं तो हमारे पास यू you नो know, के वन माइनस वन जीरो क्योंकि जाहिर है कि जहां जहाँ पे n है वहाँ वहाँ हमने वन सब्सिट्यूट करना है वन सब्सिट्यूट किया तो वन माइनस वन जीरो एंड समथिंग पावर जीरो इज इक्वल्स टू वन एंड बाई वन इज इक्वल्स टू वन सिमिलरली अगर टू सब्सिट्यूट यहाँ पे करेंगे बिकॉज एन इज इक्वल टू तो वन टू तो इन्फिनी का मतलब है कि वन टू तो थ्री एंड अप अपू तो सोन हम वैल्यूज को पुट करते जाएंगे ना तो इसी तरह से अगर टू पुट किया तो टू माइनस वन वन एंड अगर पावर ओड हो तो माइनस साइन रिटेन करता है और डिवाइडेड बाई टू एंड सिमिलरली वी कैन फाइन्ड ऑल द अदर टर्म्स इसी तरह से ये वाली सीरीज़ जो है कि अगर हम एन इज़ इक्ल टू वन टू इन्फिनिटी लें माइनस वन रेज टू पावर एंड एन स्क्र ओवर एंड प्लस वन फिक्टोरियल टू पुट किया सॉरी वन पुट किया तो पावर ओड माइनस साइन रिटेन किया वन स्क्वेयेर वन एंड डिवाइडेड बाई वन प्लस वन इज़ इक्वल टू टू फिक्टोरियल एंड सीमिलरली वी कैन फाइंड ऑल द अदर टर्म्स ओके स्टूडेंट्स नाउ स्टूडेंट्स अब हम आ, अ, हम हमने अब तक देखा कि हम अल्टरनेटिंग सीरीज होती क्या हैं अब हम बात करते हैं कि हमारे पास अल्टरनेटिंग सीरीज टेस्ट क्या होता है आ, तो स्टूडेंट्स अगर हम टेस्ट की बात करें तो वो हमारे पास है आ, मतलब अगर सीरीज़ की कन्वर्जेंस को चेक करने के लिए जो हमें टेस्ट दिया गया है वो कहता है कि फॉर सम सीरीज़ लाइक आप उसको रिप्रजेंट करते हैं कि समेशन एन इज़ इक्वल टू वन टू नेगेटिव वन रेज टू पावर एन माइनस वन एंड दिस इज द टर्म दैट विल अल्टरनेट द साइंस एंड सम एन लाइक आपके पास तो सीक्वेंस है और अगर हम इसको ओपन करके भी आप लिख सकते हैं लाइक like, अगर मैं वन सब्सिट्यूट करूँ तो माइनस वन रेज टू पावर जीरो दैट इज इक्वल टू वन एंड ए एन दैट विल बिकम इक्वल टू ए वन माइनस ए टू प्लस ए थ्री माइनस एंड अप टू सोन सम एन ओके एंड देट इज ग्रेटर जीरो एंड आवर ए एन इज ग्रेटर जीरो तो वो कहता है कि अगर आप क्या करें कि ए एन प्लस वन यानी कि नेक्स्ट टर्म जो है वो सीक्वेंस की वो लेस और इक्वल हो फर्स्ट पावर से यानी कि उसकी प्रीवियस टर्म से फॉर ऑल एन यानी कि जितने भी आप एन की वैल्यू सब्सटीट्यूट करते हैं जैसा कि यहाँ पे एन इज इक्वल टू वन टू इन्फिनिटी का मतलब है कि वन टू थ्री एन अपू सोन सारी वैल्यूज़ ना और अगर आप अपनी जो सीक्वेंस है लाइक ए एन है आपके पास उसकी लिम, उस पर लिमिट अप्लाई करें और वो जीरो को अप्रोच कर जाए तो देन आपकी जो गिवन सीरीज़ है वो कन्वर्ज कर जाएगी ठीक है अब इसका क्या मतलब हुआ लाइक like, आप ये कह सकते हैं कि आपके पास ठीक है मैं इसको अगर कुछ रिप्रेजेंटेशन करके आपको समझाऊं इसको तो वो ये है कि लेट्स से कि आपके पास ये लाइक ए वन टर्म है और ए है ना ठीक है अब इससे जो नेक्स्ट टर्म होगी लाइक अगर आप उसका वेरिएशन देखें या आप उसमें डिफरेंस देखें लाइक like वो डिक्रीज़ कर रहा है तो वो नेक्स्ट जो टर्म्स हैं वो इसके अंदर लाइक करेंगी ठीक है उससे अगली टर्म्स जो हैं वो उसके अंदर लाइक करेंगी एंड अप टू सोन यानी कि वो सारी टर्म्स जो हैं आहिस्ता आहिस्ता एक पॉइंट को कन्वर्ज कर जाएंगी वो डिक्रीज़ कर जाएंगी इसके कहने का यही मतलब है कि आपके पास वो डिक्रीज़ कर रहा like है लाइक अगर ए वन है ए वन जो है वो लेस है अगली टर्म से लाइक अगली टर्म उससे लेस है सॉरी ए टू जो है वो फर्स्ट से कम है ए थ्री जो है वो ए टू से कम है लाइक ये डिक्रीज करता जा रहा है और डिक्रीज करते 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 यू you नो know कि किसी एक पॉइंट को वो कन्वर्ज कर जाएगा ठीक है अब हम इसके एक एग्जाम्पल देखते हैं फॉर एग्ज़ाम्पल के हम अगर इसकी एग्जाम्पल में ले लें सुमेशन एन इज़ इक्वल टू वन टू इन्फिनी माइनस वन रेज टू पावर एन माइनस वन इज़ डिवाइडेड बाई एन नाउ okay. स्टूडेंट्स अगर आप यहाँ पे देखें इसको हम इस सीरीज को ओपन करें तो वी नो दैट कि हम इसको इस फॉर्म में लिखते हैं जैसा कि हमने ऊपर भी इसको रिप्रेजेंट किया है प्लस वन बाय फाइव माइनस एंड अप टू सो ऑन नाउ स्टूडेंट्स सबसे पहले हमने क्या करना है हमने देखना है कि हमारे पास जो लिमिट है एन अप्रोच करता है इन्फिनिटी को देखिए हमारे पास रिप्रेजेंटेशन में आपने इसको इसके कोरोस्पॉेंस में देखना है लाइक माइनस वन रेज टू पावर एन माइनस वन इज सेम विद दिस टर्म एंड आवर ए एन हेयर विल बी अगर हम यहाँ से ए एन की बात करें तो वो हमारे पास वन ओवर एन है ठीक है तो अगर हम वन बाय एन पे लिमिट अप्लाई करें तो यू नो दैट के समथिंग बाय इन्फिनिटी दैट इज इक्वल टू ज़ीरो तो अगर हमने जब हमने अपनी लिमिट अप्लाई की अपना जो एन टर्म थी उस पे तो हमारे पास आंसर क्या आया आंसर हमारे पास आ गया जीरो के इक्वल ठीक है अब हमारे पास टेस्ट के अकॉर्डिंग हमारे पास सबसे सबसे पहले हमें ये चेक करना चाहिए था कि ए एन प्लस वन अगर है वो लेस और इक्वल होगा ए एन से तो इस तरह से अगर हम देखें जाहिर है कि हमने ये भी तो शो करना है ना कि ए एन प्लस वन इज लेस है और इक्वल है ए एन से और अगर मैं यहाँ से ए एन प्लस वन लिखूँ यू नो दैट कि ए एन हमारे पास वन बाय एन है ए एन प्लस वन जो है वो आ जाएगा वन ओवर एन प्लस वन ओके तो हम देखते हैं कि ए एन प्लस वन जाहिर है कि डी में कोई चीज ऐड हो रही है और वो वन से डिवाइड होगा तो वो बहुत टर्म छोटी हो जाएगी तो ऑब्वियसली कि ये लेस और इक्वल हो जाएगा वन ओवर एन से ठीक है एंड दैट इज आवर ए एन सो हियर वी सी दैट कि हमारे पास ए एन प्लस वन यानी कि नेक्स्ट टर्म जो है वो प्रीवियस टर्म से छोटी है तो हमारे पास जो सीक्वेंस है वो किस तरह का है वो हमारे पास डिक्रीजिंग सीक्वेंस है ठीक यानी कि हमने दोनों कंडीशन ट्रेक कर ली हैं अब हम यहां पे ये कह सकते हैं कि सो बाय अल्टरनेटिंग सीरीज टेस्ट ठीक है बिकॉज इट पास द डाइवर्जेंस टेस्ट और हमारा जो सीक्वेंस है वो डिक्रीज कर रहा है ठीक है बिकॉज आवर सीक्वेंस इज डिक्रीजिंग तो हमारे पास जो हमारा सीक्वेंस या सीरीज आप कह लें सॉरी सीरीज एन इज इक्वल टू वन टू इन्फिनी माइनस वन की पावर एन माइनस वन रेज डिवाइडेड बाई एन कन्वर्जीज तो हमारे पास ये सीरीज कन्वर्ज करती है ओके अब ये वाली सीरीज हमारे पास क्या है सबसे पहले इसको देखना जरूरी है ठीक है डोंट कंफ्यूज विद द हारमोनिक सीरीज दिस इज बेसिकली आल्टरनेटिंग हारमोनिक सीरीज ठीक है अब हमारे पास जो हारमोनिक सीरीज की अगर हम बात करते हैं ना हारमोनिक सीरीज हमारे पास किस फॉर्म की होती है हारमोनिक सीरीज हमारे पास ये होती है ना कि समेशन एन इज इक्वल टू वन टू इन फिंटी वन ओवर एन ओके ये वाली सीरीज जो है ये डाइवर्जेंट है लेकिन हमारे पास अगर हम अल्टरनेटिंग हार्मोनिक सीरीज की बात करें तो वो हमारे पास कन्वर्ज करती है एंड दिस इज इंटरेस्टिंग कि हमारे पास जस्ट बिकॉज ऑफ द अल्टरनेटिंग सीरीज हमारे पास वही सीरीज जो डाइवर्ज करती है वो हमारे पास कन्वर्ज कर जाती है ठीक है एंड दिस इज द इंपॉर्टेंट पॉइंट हियर सो दिस इज़ ऑल अबाउट अल्टरनेटिंग हारमोनिक सीरीज़ जिसमें हमने देखा कि अल्टरनेटिंग सीरीज़ क्या होती हैं अल्टरनेटिंग सीरीज टेस्ट क्या होता है कि अगर हमारे पास टर्म्स सॉरी यहाँ पे आपको सबसे पहले ये चेक करना है ठीक है दिस इज़ द फर्स्ट स्टेप एंड दिस इज़ द सेकेंड स्टेप कि सबसे पहले आपने चेक करना है कि आपके पास जो सीरीज़ है वो डिक्रीजिंग है और उसके बाद आपने चेक किया कि अगर आप उस पर लिमिट अप्लाई करते हैं वो जीरो को अप्रोच करता है तो दैट मीन्स कि आपके पास जो आपकी सीरीज़ हैं वो डाइवर्जेंट है थैंक यू सो मच